सो हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम चेक कर रहे हैं अपना नया ट्रैक्टर, इसका नाम है TX701TG। आज जा रहे हैं हम इसको लेके खेत में। हाल ही में अभी इसको 10-15 दिन हुए हैं लिए हुए, तो आज इसका टेस्ट कर रहे हैं। इसमें कल हमने इंजन ऑयल और पेट्रोल डाल दिया है, तो देखते हैं इसको चलाते कैसे हैं और चलता कैसे हैं। हमने भी आज तक ट्राई किया नहीं है, तो आज जा रहे हैं हम इसको खेत में लेके। अभी इसके नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं, ताऊ और भैया लगे हुए हैं नट बोल्ट टाइट करने में। तो ट्रैक्टर को भैया दे रहे हैं धक्का, और जहाँ से थोड़ा चढ़ाई है वहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। एक इंसान के बस का तो है नहीं ये, क्योंकि बहुत भारी भी है। गांव में जिनके पास बैल होते हैं वो लगाते थे अभी तक हल, तो अब खाली इसको पहुँचाने के लिए चाहिए खेत में, और इसी से लगेगा अब की बार से हल। तो इसको लेके हम पहुंच चुके हैं खेत में, और इस खेत में होगा इसका पहला ट्रायल। कल हमने इसकी पूजा वूजा भी की है, तो स्वास्थ्य वगैरह भी बना रखा हमने इस पे। देखिए अभी ये टायर खोल के अब इन पे ये जो रहते हैं, अभी जमीन कटेगी तो इसको लगाएंगे हम अभी टायर की जगह में। ये मशीन का शुभारंभ करेंगे मम्मी, मम्मी के हाथ से लगेगा हल। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठंड बैठ गई है मशीन में। उससे तुम खींच जाओगे बहुत तेज। ब्रेक ना, ब्रेक नहीं, खाली वो दबा तो दोगे। अगर ये कुछ नहीं कर रहा इन दिन, ये दोनों में से अगर कोई भी दबाओगे तो गाड़ी आगे जाएगी, चाहे ऊपर वाला दबाओ चाहे नीचे वाला दबाओ। अरे हाँ, अब ट्राई करते हैं। अरे गियर मार, गियर लगाओ ना, पहले इस पे गियर लगाना पड़ेगा। ये है गियर, लग चुका है पहला गियर। हम इसको दबाएंगे तो देखे आगे जा रहे हैं। हमें छोड़ अभी, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ये काफ़ी ठोस है, अगर इसको गीला करेंगे तभी ये इसमें धस जाएगा। और वैसे ज़्यादातर ये बना है जो बाहर जो प्लेन इलाका होता है वहाँ की बलुई मिट्टी होती है उसके लिए बना हुआ है ये, उसमें ये सीधे धस जाती है। और अभी यहाँ इसको टफ होता थोड़ा पहाड़ों में, देखो ज़मीन में धस नहीं रही है। भीड़ भी काफ़ी जमा हो चुकी है, ऐसे होता गाँव में जो चीज़ें पहले आती तो सब आ जाते हैं उसको देखने के लिए, तो सही होता है ये सब। तो हो सकता है टायर भी हमने उल्टे लगा दिए हों, इधर का उधर, उधर का इधर। हाल भर बैठे सुन दे हमारे ताऊ जी, अभी तेल निकाली के तो लगा शायद बैठा लू अब अली का कनक निकाल हम ना ना रुक जा फिर अगर वो कोई नई चीज़ आती है, खासकर मशीनरी जो चीज़ होती है वो जब भी नई आती है तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पहली बात तो ऐसी चीज़ें गांव में ज़्यादा लोगों के पास होती नहीं है। देखिए मम्मी अपनी तरफ को जान लगा रही है और मशीन अपनी तरफ को, देखते हैं इस जंग में कौन जीत पाता है। तो हम आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके इसको। तो ये रहा ट्रैक्टर, इसमें ये है गियर सिस्टम जो अभी इसमें न्यूटन पे है, फिर ये आगे रिवर्स है, फिर फर्स्ट गियर और दूसरा गियर, और ये है ऑन ऑफ का बटन, और ये एक्सीलेटर दे रखा है, और ये प्लस में इसको अगर इसको दबाएंगे तभी ये आगे जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। अभी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं रिवर्स गियर और पहला गियर लगा के। तो अब हम इस पर लगाएंगे रिवर्स गियर, रिटर्न हुआ फिर लगा रिवर्स। अब लगाएंगे फर्स्ट गियर, बता रही है पहले गियर में रिटर्न करके। तो एक्सपीरियंस काफ़ी ख़तरनाक कह सकते हैं हम, हाथों में और पूरे बॉडी में जोर पड़ रहा है इस चीज़ से। तो जैसे हम लगा तो लगा दे रहे हैं, खैर
बट जैसे जो एजेड हैं थोड़ा उनके लिए टफ हो जाएगा। देखिए अभी ताऊजी चला रहे हैं हम, हो सकता है हमको चलाना नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारी ज़्यादा जान लग रही है उस पर, ज़्यादा एनर्जी हमारी खर्च हो रही है उस पर। तो ताऊ ने मशीन के साथ लगा लिए हैं 7 फेरे। अब ताऊ जी कह सकते हैं 7 फेरों के 7 वचन, मेरी प्यारी मशीन तू बाए हल। हम देखते हैं जब लोगों को दूर से खेतों में, तो वो बड़े प्यार से बड़े आराम से ये मशीन चलाते हैं, और देखो हमको कितना खींचना पड़ रहा है। पीछे को खुद की ताकत लगाओ, आगे को मशीन लगाए ताकत, और आओ खेल रहे रस्सा रस्सी। आज देखे जरा किसमें कितना है दम। तो हल तो हमने बा दिया है, अब इसको दम फ्री कर रहे हैं। आज की प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो सीखा कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। इसको तो ठीक है, जेरी कॉर्न इस साइड निकाल के अब हम लगा रहे हैं दूसरी तरफ। ऐसे इसको ले जा रहे हैं हमारे जहाँ गौशाला है गोट, तो वहीं रखेंगे इसको। हम इसको कल घर ले आए थे, तो देखो एक मशीन में कितने सारे लोग लगे हैं, तब भी बहस चालू ही है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे गौशाले, और ये रहा हमारा। गर्मी के लिए काफ़ी सही पेड़ है, सब कुछ है, बट अभी ठंडे के लिए बहुत बेकार है। देखिए इन पे धूप आ नहीं रही है इस आम के पेड़ की वजह से। अभी शाम को 1-2 घंटा ही आती है धूप, जब यहाँ पे चली जाती है ना तभी इन पे धूप आती है, वरना ये ऐसी रहते हैं दिन भर ठंड में बेचारे गाय भैंस बेजुबान जानवर। आराम से आराम से, वो गाय भी डर रही है यार, आराम से। जैसे बाइक में और कार में कवर डालते ना, तो वैसे इनमें भी डालना पड़ रहा है धूल से बचने के लिए, बाकी और चीज़ों से भी। इसके ऊपर से हम ये भी डाल देते हैं। यहीं पे हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं, नमस्कार। ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।